आज के युवाओं का सपना सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना है। इसी के लिए आजकल का युवा ग्रामीण क्षेत्रों में भर्ती के लिए जी तोड़ मेहनत करते नजर आते हैं। भर्ती में युवाओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर हमीरपुर जिला के नादौन उपमंडल के गांव जसाई में सुनील डिफेंस अकेडमी खोली गई है, जिसमें की युवाओं को आर्मी भर्ती की ट्रेनिंग दी जाती है। ये अकेडमी पिछले 3 सालों से खुली है। आर्मी की ट्रेनिंग के लिए 100 से ज्यादा युवा भर्ती के लिए आते हैं। इस अकेडमी में लगभग 25 युवा आर्मी में भर्ती भी हुए हैं। अकेडमी के ओनर सुनील ने कहा कि अकेडमी की फीस मात्र 600 रुपए है, ताकि जो गरीब परिवार का बच्चा है वो भी इस अकेडमी में आ सके। अकेडमी के ओनर सुनील ने बताया कि वे JVT टीचर हैं, लेकिन उनका सपना आर्मी में भर्ती होना था। कुछ कारणों की वजह से वे आर्मी में भर्ती नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से अकेडमी में युवाओं को भर्ती की ट्रेनिंग देते आ रहे हैं और 25 से ज्यादा युवा आर्मी में भर्ती भी हुए हैं। सुनील ने बताया कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ग्राउंड की तैयारी करवाई जाती है, उसके बाद टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि आसपास के जो भी बच्चे आर्मी में भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं वो इस अकेडमी में आ सकते हैं। इस अकेडमी की फीस मात्र 600 रुपए है। सुनील ने कहा कि अगर कोई ज्यादा ही गरीब परिवार का बच्चा है जो कि फीस नहीं दे सकता है, उनको मुफ्त में आर्मी टेस्ट की तैयारी वो ग्राउंड की तैयारी करवाते हैं, ताकि वो भी आर्मी में जा सके। सबसे पहले सबको नमस्ते। मेरा नाम सुनील कुमार और मैं जसाई गांव का रहने वाला हूं, और बेसिकली मैं JVT टीचर हूं। मेरी एम थी कि मैं आर्मी में भर्ती हूं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं भर्ती नहीं हो पाया हूं। तो मतलब यहां पे मेरी सबसे पहले मेरी कोशिश रहती है कि जो हमारे आसपास के बच्चे हैं उनको मैं ट्रेन करूँ, और हमने पिछले 3 सालों से इस काम को शुरू किया है। इस काम में हमने पिछले 3 सालों से कम 25 बच्चों को इंडियन आर्मी में भर्ती करवा दिया है, और हमारी कोशिश रहती है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस एकेडमी में आएँ। इस एकेडमी का नाम सुनील डिफेंस एकेडमी है, जो कि मेरे नाम से है, और हम सुबह इस काम को 6 सर्दियाँ तो 6 बजे शुरू करते हैं, ठीक है। 6 से 9 बजे तक हमारा ये काम होता है। हम पहले इनको ग्राउंड की तैयारी करवाते हैं, बाद में टेस्ट की भी तैयारी करवाते हैं इनको साथ साथ में, ताकि बच्चे आगे जाके बच्चों को प्रॉब्लम ना आए और वो टेस्ट के अकॉर्डिंग काम करें और अपनी जो आर्मी की भर्ती है उसमें सेलेक्ट हो जाएं। हमने पिछले 3 सालों से 25 या 30 बच्चे सेलेक्ट इंडियन आर्मी में सेलेक्ट करवाए हैं, और पिछले बैच में हमारे पास 23 बच्चे थे। उनमें 17 बच्चों ने ग्राउंड क्लियर किया, उनमें से कुछ मेडिकल अनफिट हुए और 11 बच्चे बचे। हमारे उन 11 में से 7 बच्चे इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो गए। तो हमारी आपसे छोटी सी एक मेरा अनुरोध है कि आप नज़दीक के जो हमारे सराउंडिंग के बच्चे आते हैं उनसे मेरी ये निवेदन है कि हमारी अकेडमी में ज्वाइन करें। हमारी बिल्कुल नॉर्मल फीस है, हमारा जो काम है नो प्रॉफिट नो लॉस पे करते हैं हम मात्र 600 रुपये लेते हैं फीस, ठीक है। अदरवाइज बाकी अकेडमियों में कोई 5,000 लेता है, कोई कितना लेता है, हम सिर्फ 600 रुपये में बच्चे को इंडियन आर्मी में भर्ती करवा देते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारी अकेडमी ज्वाइन करें और सुनील डिफेंस अकेडमी को ज्वाइन करें। थैंक यू। अगर कोई आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, हमें पता लगता है कि ये बच्चा फीस नहीं दे पाता है, और कई अकेडमी में 5,000 रहते हैं, तो नॉर्मली तो मिडिल क्लास बंदा तो दे ही नहीं पाता है, तो हम उन बच्चों को देखते हैं और उनको टेस्ट की भी तैयारी करवाते हैं, और सर ग्राउंड की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको तैयारी करवाते हैं, ताकि जो फीस देते हैं वो तो ठीक है, तो लेकिन जो नहीं दे पाते हैं उनके लिए भी हम इस सुनील डिफेंस अकेडमी में उनको स्वागत करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनको इंडियन आर्मी में सेलेक्ट करवाते हैं। अकेडमी में आए युवा अभिषेक कटोच ने बताया कि उनको 2 महीने हो चुके हैं अकेडमी को ज्वाइन किए हुए। उन्होंने कहा कि इस अकेडमी में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने कहा कि फौज एक पैसे का स्रोत नहीं, ये एक रुतबा है जो कि उन्हें चाहिए। हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा नाम अभिषेक कटोच है
और मैं बिडू का निवासी हूँ। मुझे जो है 2 महीने हो गए हैं इस एकेडमी को ज्वाइन करते हुए, और मुझे इस एकेडमी से बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरी जागरूकता भी बढ़ी है। और पहले जो है मैं जल्दी नहीं उठ पाता था, लेकिन अब मैं जल्दी उठ पाता हूँ। एक फौज जो है ये पैसे का स्रोत नहीं है, इसमें जो एक रुतबा है और जो मुझे चाहिए। धन्यवाद। अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आए पीयूष शर्मा ने बताया कि वे इस अकेडमी में 4-5 महीनों से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले ना तो दौड़ कर पाते थे ना ही पूरी तरह फिजिकल फिट थे। उन्होंने कहा कि वे जब से इस अकेडमी में आए हैं तब से पूरी तरह फिजिकली फिट हैं। उन्होंने कहा कि वे इसका श्रेय अपने ट्रेनिंग अध्यापक को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वे आर्मी में सेलेक्ट हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष शर्मा है, मैं पनियाली का निवासी हूं और यहां पर मैं लगभग 4-5 महीने से आ रहा हूं। इससे पहले मैं बताऊं तो मेरी दौड़ बिल्कुल भी सही नहीं थी, मैं ना ही फिजिकली फिट था, ना मैं सुबह जल्दी उठ पाता था, ना मैं किसी तरह का कोई फिजिकल वर्क कर पाता था। लेकिन जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ मेरे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, और ये सब इस सब का श्रेय मैं गुरुजी को देना चाहूँगा। उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, और मुझे ये लगता है कि मैं उन्हीं की वजह से आर्मी की दौड़ भी क्लियर करूँगा और मैं अपने गुरुजी का नाम रोशन करूँगा। धन्यवाद। अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आए युवा ने कहा कि उन्हें इस अकेडमी में बहुत कुछ सीखने को मिला है और ग्राउंड टेस्ट की तैयारी अच्छे से करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस अकेडमी का रिजल्ट पिछले बैचों में भी काफी अच्छा रहा है, उनके ट्रेनिंग अध्यापक उन्हें बहुत मोटिवेट करते हैं। सिविल डिफेंस अकेडमी में आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे गुरु जी बहुत ही अच्छी से बातें हमें मोटिवेट करते हैं, रोज सुबह आके हमारे लिए 5-5 बजे यहाँ पे ग्राउंड में आते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। और हमारा यहाँ पे एकेडमी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी पिछले साल भी बहुत अच्छे बच्चे गए हैं यहाँ से, और काफ़ी अच्छा हमें लगता भी है यहाँ पे आके। गुरु जी हमारे लिए बहुत भगवान के समान है। नागेश शर्मा ने बताया कि वे इस एकेडमी में कभी कभी आते हैं। उन्होंने कहा कि इस एकेडमी में बच्चों को ग्राउंड टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि लगभग 100 बच्चा इस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार 100 का 100 बच्चा ही भर्ती में सिलेक्ट हो जाएगा। जय हिंद, मेरा नाम नागेश शर्मा है, मैं यहाँ दिनोवा का निवासी हूँ। मैं सुनील भाई जी मेरे को यहाँ पे बुलाते हैं, मैं कोई परमानेंट नहीं आता यहाँ पे, मतलब डेल नहीं आता, मैं कभी कभी आता हूँ। तो हमारा शेड्यूल है 6 से 9 बजे तक हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद जो वो क्लासेज भी लगती हैं। गुरुजी हमारे JVT के टीचर हैं, ये पिछले साल भी अच्छा रिजल्ट रहा हमारा, और हमें उम्मीद है कि इस साल भी हमारे 100 से कम 100 बच्चा आता है यहाँ पे। बट आज कॉलेज स्टार्ट हो गया है तो बच्चे कम आए हैं, तो इसलिए आज पॉपुलेशन कम है यहाँ पे, बच्चों की स्ट्रेंथ कम है, तो हमें उम्मीद है कि 100 में से 100 बच्चा हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश।
करो।